रायबरेली में एक किसान के घर पर आग लग गई। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना डीए थाना क्षेत्र की है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं प्रशासन की तरफ से हल्का लेखपाल अग्निकांड का आकलन कर रहे, जिसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। क्या घटना घटी है आज आपके यहाँ? दोपहर में को रहा नहीं घर पर, हमो नहीं रहे, नमो नहीं रही, सबको चले गए खेत बंद है जी। बस इधर से आने पता लगा आगे लाग है, उधर से सबको दौड़ा दौड़ा ना थोड़ा बहुत बचाए पाए ने, बस सब बर गए। फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दिया है? हाँ आई थी। हाँ अच्छा, तो आग पे कैसे काबू पाया गया? आग तो आवा का भैया। अच्छा, ग्रामीणों की मदद से? हाँ, ग्रामीणों की मदद से। पहले क्या नुकसान हुआ है आपके? और फिर फायर ब्रिगेड आ गया है। क्या क्या नुकसान हुआ है? गेहूँ जला, कपड़ा लचता जी। नेपाल आए कि नहीं आए? अभी नहीं। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके यहाँ? घटना घटी है, आप गोह बांधत रहे नहीं जी। जब जल लाग तो लाइट का दौरे ख्याल रहे। ये घटना कब की है? आज की। अच्छा, तो आग बुझाने के लिए वो आई थी फायर ब्रिगेड? हाँ। नेपाल आए मौके पे? नहीं आए। अबे नेपाल नहीं आए, प्रधान आए। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? भैया ये मर जाए, कपड़ा कथरी गुदरी सब खाली, जो पहरे हैं कपड़ा यह है बची। अनाज भी था? हाँ। अच्छा, और कुछ सामान मोहन? अब वही में बच्चा का निकारा खटिया रही, कपड़े कथरी बासन बढ़वा जो रही। नकदी तो नहीं थी? नहीं। निर्मला जो कि पत्नी है स्वर्गीय बैजनाथ की, उनके आवास में जो कच्ची कोठरी है और छप्पर ऊपर है, उसमें आग लग गई है। दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास की घटना है। ये आग का कारण नहीं पता लग पाया? आग का कारण अभी स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है। और आसपास से पूछने पता चला कि मतलब क्योंकि बिजली उछली का कारण नहीं है, क्योंकि आसपास कोई शॉर्ट सर्किट वाली संभावना नहीं थी, लाइट नहीं थी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 25-30 हज़ार के आसपास का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी पूरा इसकी गणना करने के बाद आगे भेजा जाएगा।